आ रहा है अगेन इनसाइड द योर महानदी प्लेन और ऑल्सो सम ऑफ द ईस्टर्न हाईलैंड्स. तो वी हैव द ईस्टर्न हाईलैंड, वी हैव द महानदी एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर इंक्लूडिंग शिवनाथ महानदी. वी हैव ऑल्सो सीन दिस पर्टिकुलर पैरी सोंडूर, दिस पर्टिकुलर जोंग लाद योर खारून रिवर्स. ठीक है, देर आर मैनी मोर स्मॉलेस्ट रिवर, विल टॉक लेटर इन योर जोग्राफिकल इन द ड्रेनेज पैटर्न, बट प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर रिवर्स. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द जोग्राफी ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल डिविजन रिवर्स एंड ऑल्सो माउंटेन्स. नाउ विल सी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द रॉक्स ऑफ द रिवर. सो विल सी सम ऑफ द रॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन. ओके, सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर, दिस इज द प्लेन ऑफ महानदी, दिस इज द महानदी प्लेन, पूरा का पूरा रिवर है. एंड अलॉन्ग क्रॉस द रिवर वी हैव ऑलरेडी सीन इन द इंडियन ज्योग्राफी, जहाँ पर रिवर्स के अक्रॉस जहाँ पर हैं उसके साइड में कौन से आपके मोस्टली आपको रॉक्स मिल रहे हैं, वी हैव द कडप्पा रॉक्स. सो वी हैव द प्रेजेंस ऑफ कडप्पा रॉक्स, वी हैव कडप्पा रॉक्स हियर. देन इन दिस पर्टिकुलर कडप्पा रॉक्स विल ऑल्सो टॉक अबाउट द वेरियस मिनरल्स वी विल फाइंड. ओके, सो हियर वी हैव द कडप्पा रॉक्स एंड इन दिस पर्टिकुलर कडप्पा रॉक्स विल फाइंड योर लाइम स्टोन मिनरल, लाइम स्टोन, समटाइम्स वी विल ऑल्सो फाइंड द डोलोमाइट. सो पर्टिकुलरली लाइम स्टोन इन दिस पर्टिकुलर रीजन, जो आपका ये वाला रीजन है, इन दिस पर्टिकुलर रीजन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ लाइम स्टोन, वी हैव द वेरियस सीमेंट इंडस्ट्रीज लोकेटेड. सो बिकॉज ऑफ द मिनरल्स वी हैव द वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग योर सीमेंट इंडस्ट्री. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइम स्टोन एंड द सीमेंट इंडस्ट्री, दिस पर्टिकुलर बलौदा बाजार, इफ यू टॉक अबाउट द बलौदा बाजार, तो बलौदा बाजार इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइम स्टोन इन छत्तीसगढ़ एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन छत्तीसगढ़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कडप्पा रॉक्स इन दिस पर्टिकुलर रीजन. सो इस तरह से आप देखेंगे. नाउ विल टॉक अबाउट द अदर रॉक्स. सो इन दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ गरियाबंद एंड इन दिस सराउंडिंग रीजन हियर लाइक दिस, वी हैव ऑल्सो फाइंड इंपॉर्टेंट रॉक कॉल्ड this particular rock is called as your Vindhyan rocks. So we have the presence of Vindhyan rocks in Chhattisgarh in that particular region, Vindhyan rocks. And you know, in this particular rock there is a important pipe called the pipe of kimberlite. So in this particular rock we have the kimberlite, and because of this particular pipe we have the huge pressure inside that particular rocks, and this led to the formation of very important mineral called diamond. So we have the diamond, so we have find the diamond in this particular Deobhog region of Gariyabandh. Okay, where various mines of the diamond mines are there, so we'll talk about that in your mining part only. Abhi hum log kya karte hain, sirf we'll locate the places and some of the minerals. So we will find the Kadappa rocks, we'll find the Vindhyan rocks also in some parts in this particular part, this particular ये आपका जो धमतरी वाला रीजन है, एंड ऑल्सो इन द पार्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बलौदा बाजार वी विल ऑल्सो हैव सम ऑफ द इन महासमुंद, स्पेशली इन द महासमुंद रीजन वी विल ऑल्सो फाइंड द धारवाड़ रॉक. ओके, धारवाड़ रॉक, एंड बिकॉज ऑफ द धारवाड़ रॉक इन दिस पर्टिकुलर महासमुंद वी विल ऑल्सो सी द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड पार्टिकल्स. ठीक है, सो वी विल हैव सम ऑफ द गोल्ड मिनरल्स एज वेल इन दिस पर्टिकुलर रीजन. सो वी विल हैव कडप्पा रॉक्स, विंध्यन रॉक्स, धारवाड़ रॉक्स, एंड ऑल्सो यू नो कि वहाँ पर बेसमेंट में डेफिनेटली वी विल हैव द आर्कियन रॉक्स. सो ऑल दिस रॉक्स आर प्रेजेंट एंड द एसोसिएटेड मिनरल वी कैन फाइंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन. बिकॉज ऑफ दिस एसोसिएटेड मिनरल्स वी हैव द प्रेजेंस ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द सीमेंट इंडस्ट्रीज एंड द अदर इंडस्ट्रीज. एंड ऑल्सो एज रायपुर इज द कैपिटल सिटी ऑफ द छत्तीसगढ़, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा. ओके, सो वी हैव डिफरेंट रिवर्स डिविजन्स. नाउ विल सी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट locational aspects in terms of your transport and the connectivity. So please remember this particular Raipur city, Raipur, in Raipur we have only aapka jo airport hai, the only airport of India international airport, so it is your Shahid Veer Narayan airport. Okay, Shahid Veer Narayan एयरपोर्ट. तो आपका अभी छत्तीसगढ़ के अंदर एट प्रेजेंट दिस इज द ओनली एयरपोर्ट जहाँ से आपका नॉर्मली सारा का सारा ऑपरेशन चल रहा है. देर आर अदर एयरपोर्ट्स एज वेल, बट आपका सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है ये दिस पर्टिकुलर शहीद वीर नारायण एयरपोर्ट. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ सिमगा, सो दिस इज योर सिमगा. आई हैव टोल्ड यू प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर सिमगा. फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिमगा दिस पर्टिकुलर धरसीवा तहसील, दिस धरसीवा अभनपुर. सो प्लीज सी here from this particular region national highway 130 enters. Okay, so national highway 130 will come like this, goes to Abhanpur, then here
and then moved like this. So this is National Highway 13. So we have the presence of your National Highway 30. We have airport in this particular division, and also we have seen in this particular region earlier as well कि हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, रेलवे कनेक्टिविटी. एंड दिस पर्टिकुलर रीजन हैव द रेलवे कनेक्टिविटी वेयर रायपुर लाइज एट द लाइज ऑन द दिस पर्टिकुलर मुंबई दिल्ली जो लाइन है आपका रेलवे लाइन है. सो रेलवे इन टर्म्स ऑफ मुंबई दिल्ली सॉरी मुंबई कोलकाता रेलवे लाइन. सो वी हैव प्रेजेंस ऑफ ऑल दिस थिंग इन दिस पर्टिकुलर डिविजन ऑफ दिस रायपुर डिविजन. ओके नाउ वील लुक अप इन टू सम ऑफ द हिस्टोरिकल फैक्ट्स. होप इतना आपको क्लियर होगा. जस्ट लिसन टू दिस पर्टिकुलर रीड दोज हैंड आउट्स आई हैव गिवन यू. उससे आपका ये सारी चीज़ हो जाएंगे. वी आर इनिशियली डोंट गेट कि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यू आर लेडन विद द इन्फॉर्मेशन. नो इट इज़ नॉट गिविंग यू द मच ऑफ द इन्फॉर्मेशन. आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि आप कुछ जगहों से कुछ इंपॉर्टेंट रिवर से फेमिलियर हो जाओ. वंस यू विल गेट फेमिलियर टू ऑल दिस थिंग विल रीड विल देन स्टडी अबाउट द ज्योग्राफी. एंड मोस्ट ऑफ द ज्योग्राफी इज डन इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर्स ओनली. जब हम लोग पढ़ेंगे तो विल सी द मोर पार्ट्स ऑफ द ज्योग्राफी. बट आपका यहाँ से बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा. नाउ विल सी about the various historical aspects or the historical features associated with this particular Raipur division. So we'll see some of the historical things in this particular region. Okay, so again we'll see the history behind or the history. So we'll see the history. Now again I will divide this history into the three part: ancient, contribution in the medieval history, and also you'll see the contribution in your modern history. Okay, so you'll see the contributions or the various places associated locations in this particular region. First of all, this particular Raipur, and in this Raipur we have this particular Arang, and in the parts of Arang only, yahan Arang ke paas hi we have the recent archaeological excavation. So in the particular ancient history, if you see the archaeological एक्सकेवेशन. ओके सो यहाँ पर क्या हो रही है, खुदाई हो रही है. एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन वी हैव द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस वेयर वी हैव फाइंड द आर्कोलॉजिकल एविडेंसेज आर लाइज हियर कॉल्ड रीवा. सो रीवा अ प्लेस इन द योर आरंग वी विल फाइंड द आर्कोलॉजिकल एविडेंसेज. इन द बलौदा बाजार, इन बलौदा बाजार वी हैव आर्कोलॉजिकल साइट्स कॉल्ड डमरू. ठीक है, वी हैव ऑल्सो सिस देवरी. So please remember Riva, Damru, Sisdevri, these are the various important archaeological sites. Also we have your Sirpur. So Sirpur remain as your archaeological site, and also uska to bahut hi alag importance hai. We'll talk about this. So Sirpur, and also we have your Rajim. So in all these places we have find the archaeological excavation or archaeological evidences with respect to the various dynasty of the Indian dynasty. India mein hum padhte hain history, to history ke related yahan par bahut sare evidences aapko dekhne ko milenge. We will see the presence of various kings and rulers in this particular region. Also if you talk about apart from excavation, if you talk about the regional dynasty of Chhattisgarh, they are a very regional dynasty ruling in this particular Chhattisgarh during your ancient period. So we'll see this particular Sirpur. Sirpur is the hub. And in this particular Sirpur, we will find the headquarter or the capital cities of this Sirpur become the capital city of various dynasty, regional dynasty of Chhattisgarh, including Sarabpuria dynasty. We will study all this in history. So Sarabpuria dynasty, we have the Sarabpur dynasty. Then again, we have the Pandu dynasty. So Pandu dynasty, one of the famous dynasty of Chhattisgarh, which from this particular Sirpur region. Okay, so we'll see the Sarabpur dynasty, Pandu dynasty in the Gariaband and the surrounding area of Deobhog and Manpur. We'll see in Gariaband, we'll see the presence of a dynasty called Parvat Dwarak dynasty. We have Parvat Dwarak dynasty in your Gariaband. Okay, so in Sirpur this particular thing, in Gariaband we'll find some of the other dynasties ruling in this particular region. So all in all, if you see the ancient history, so yeah, pura ka pura area in terms of ancient history very developed. And also if we talk about the Indian history concluded, so in this particular phase only we have seen the Gupta period. Okay, so Gupta period, and during this Gupta age a famous ruler of Gupta reign, which is Samudragupta. Who is Samudragupta? So aapka jo hai Samudragupta come in this particular area.
area of Chhattisgarh and reside here with this huge army. And because of that huge army and of this particular prince called your Samudragupta, this particular place or the particular district is called as your Mahasamund. Samund is from that particular Samudragupta. Okay, and from Samudragupta married his wife. Samudragupta find his wife yahan par, jab yahan par aaye the Mahasamund pe, here only he married a prince called Rupa Devi. ओके सो रूपा देवी द वाइफ ऑफ समुद्रगुप्त इज बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ महासमुंद. तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन द एंशिएंट हिस्ट्री हाउ दिस पर्टिकुलर हिस्ट्री कम्युनिकेट दिस पर्टिकुलर हिस्ट्री इज लिंक टू योर इंडियन हिस्ट्री. ऑल्सो इफ यू सी टॉक अबाउट द बुद्धिज्म और द बुद्धिस्ट एविडेंसेस. ओके सो बुद्ध इफ यू टॉक अबाउट द पर्टिकुलर बुद्ध वी विल सी दिस पर्टिकुलर सिरपुर इज द लोकेशन इन द हब ऑफ बुद्धिज्म इन छत्तीसगढ़. रिसेंटली गवर्नमेंट अगर आपका COVID-19 नहीं होता सो दिस ईयर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव एक साल में एक होता है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव दिस ईयर इट विल बी हेल्ड इन सिरपुर बट बिकॉज ऑफ कोविड इट इज़ पोस्टपोन सो मे बी नेक्स्ट ईयर ये चीज़ होगा. ठीक है सो वी हैव दिस पर्टिकुलर बुद्धिज्म इन योर सिरपुर रीजन. ओके सो दिस पर्टिकुलर वी हैव योर बुद्धिज्म एंड बुद्धिज्म वी विल फाइंड इन योर पर्टिकुलर सिरपुर. सो वील टॉक अबाउट द कम्प्लीट बुद्धिज्म इन सिरपुर वॉट ऑल एविडेंसेज और वॉट ऑल विच ऑल बुद्धिस्ट मुनार जो भी आपके मॉन्क्स थे बुद्धिस्ट मॉन्क विच ऑल बुद्धिस्ट मॉन्क कम्स इन दिस पर्टिकुलर रीजन. देर इज अ हिस्ट्री और द चाइनीज ट्रेवलर फेमस चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सैंग कम्स इन दिस पर्टिकुलर रीजन. वील टॉक इच एंड एवरीथिंग अबाउट दोज एस्पेक्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़. ओके अभी यहाँ पर उसको स्किप करते हैं. सो वी हैव द एविडेंसेज ऑफ बुद्धिज्म इन योर प्लेस कॉल्ड सिरपुर. So in Sirpur we will find some of the Buddhist evidences. Okay? So please remember this much fact only. Baki hum log dekhenge usme. Now we'll talk about some of the medieval history. And in this particular medieval history, we'll see this particular Raipur. Initially it comes under the culture of Ratanpur. Then again in the second half, in this particular Raipur region, we'll see a different branch of culture called as Lahuri branch. So Lahuri branch of culture. So Kalchori with this Lahuri branch ruled in this particular region of Raipur and in this particular areas. All, apart from this particular Kalchori or Lahuri branch of Kalchori, apart from this particular Kalchori, later part of the medieval history will see the presence of Maratha in this region. So Marathas come here and then we have thus we'll see these two particular things called Kalchuris and the Marathas in the medieval history in terms of your Raipur. Then in the modern history we have seen the here comes your Britishers. So once will the Britishers will come in this particular region, Raipur saw the maximum development along with the Bilaspur. So Bilaspur or Raipur mein bahut sara development dekhne ko milega and then this two region only become the hub of your political awareness and the political agenda for the independence movement. So sara ka sara political movement either it will be from your Raipur or also other way around it is from your that particular Bilaspur and some of the proponent we have also seen in this particular Dhamtari. So we will see some of the important leaders who are participating in this particular region. So from Raipur we will talk about the Shahid Veer Narayan Singh, the first freedom martyr of Chhattisgarh. So Shahid Veer Narayan Singh. Okay, so we'll talk about the Shahid Veer Narayan. We'll also talk about one of the important leader, जो सबसे famous leader थे इस particular region के in Raipur, पंडित रवि शंकर शुक्ल. Okay, in Dhamtari, I'll write here, I'll rub this particular thing. In Dhamtari, you will find the Gandhi of Chhattisgarh, a famous leader of Chhattisgarh, we call as the Gandhi of Chhattisgarh, Pandit Sundar Lal Sarma. I will teach each and everything आपका जैसे later parts होगा. Initially we are just seeing कि कौन important है किस तरह से हैं. Okay, so these are some of the important leaders of this particular region. I'm not mentioning each and every, so बहुत सारे हैं और ऐसे तो देखा जाए. And also apart from this leader, if we see talk about the Balauda Bazar and the surrounding region, so we here we'll see the one of the most famous and one of the most decorated saint, जो saint हैं आपके सबसे important saints of Chhattisgarh, named Guru Ghasidas. So Guru Ghasidas.
I will teach about the Guru Ghasidas in the cultural section of Chhattisgarh. His contribution, immense contribution to the development of this particular region, or most of the peoples are followers of this particular man called Guru Ghasidas. And apart from Guru Ghasidas, in this particular Balauda Bazar only we will see a place called Dama Kheda, and there lies the headquarter of your Kabir Panth. So Kabir Panth headquarter in this particular region called Dama Kheda. We'll study about all these things in the later half in the Chhattisgarh. But just remember the name of some of the saints called Guru Ghasidas, name of some of the freedom fighters including Pandit Sundarlal Sarma, Sahid Veer Narayan, Pandit Ravi Shankar Shukla, and all these things. Now one more thing is left in this particular lecture in terms of geography only, I'll say, because you need to remember that places only. These are related to your forest or the wildlife sanctuaries. So there are various wildlife sanctuaries in this particular region, and also we have the jungle safari. So jungle safari is particularly here in Raipur. We have your jungle safari, Raipur we have jungle safari. Okay, famous jungle safari hai, famous. We'll study about that particular jungle safari in Balauda Bazar, Mahasamund, and this particular Garyaban and Dhamtari. So in this particular Dhamtari around Sihawa, here we have the Sita Nadi wildlife sanctuary, Sita Nadi wildlife sanctuary. In this particular Garyaban we have Udanti. So here lies your Udanti, not that much. So Udanti, and this particular Udanti is famous for your wild buffalo, which is the state animal of Chhattisgarh. So this is the Udanti, this is Sita Nadi. We have this particularly jungle safari in this particular Balauda Bazar. Here we have your Bar Navapara wildlife sanctuary. So these are the important wildlife sanctuaries. Bar Navapara, there is Udanti, it is your Sita Nadi, and we also have the jungle safari in this particular region. There are much more to know about this particular region, about the various irrigation project, various dams, and also we'll talk about the various industries and the associated place, and also we'll talk about the various tribe residing in this particular region. Like in this particular Garyaband we have the Kamar tribes. Okay, and so we'll talk about all these aspects in the one by one section when we'll start the study of various subjects of Chhattisgarh. First of all, we are looking into the various places and the important aspects of Chhattisgarh. So this is all about this particular division called the Raipur division. Now we are left with the only one division called the Bastar division, and after completing the Bastar division we will start with the geography of Chhattisgarh. So I have already planned the geography of Chhattisgarh, so we will start with that particular geography of Chhattisgarh. So again, I am a quick reminder for all of you watching me, if you want to register early, because we are not starting the other lectures आपके बाद में हम जाकर फिर से कोर्स को रीस्टार्ट करने का अभी भी कोई भी प्लान नहीं है. सो प्लीज़ इफ़ यू वॉन्ट टू रजिस्टर, प्लीज़ रजिस्टर विथ अस सून. जल्दी करेंगे तो ये होगा कि आप अच्छे से प्रिपरेशन को लेकर चल सकते हैं. अगर आप लेट आएंगे देन वी विल समवेयर यू विल जगल विद द सब्जेक्ट्स कि ये सब्जेक्ट कब होगा, किस तरह से होगा. ओके, सो पर्टिकुलरली इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अर्ली. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर इन दिस पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ जी एस. टुमारो विल टॉक अबाउट द बस्तर डिवीजन. थैंक यू ऑल.